congratulations. You're for your thank show. You so much. Thank okay. you, thank you, thank you. Name your selfie. What is the main motive of your selfie? You have chosen a selfie. Why? सेल्फ़ी मतलब जब भी हम सेल्फ़ी लेते हैं हम अपने आप को अपने फ़ोन कैमरा को वही चेहरा दिखाते हैं जो हमें लगता है सबसे खूबसूरत है. हर चीज़ सेल्फ़ी में परफेक्ट होती, चाहे वो पाउट हो, चाहे वो स्माइल हो, चाहे वो यूं हो, जो भी हम करते हैं. हाँ, वी ट्राई एंड सी दैट अ सेल्फ़ी इज़ ऑलवेज पिक्चर परफेक्ट. बस यही मतलब है इस सेल्फ़ी का कि पांचों औरतें सोचती हैं कि इनकी लाइफ पिक्चर परफेक्ट है, लेकिन कहीं ना कहीं जब कैमरा हटता है तो असलियत सामने आ ही जाती है. इट्स बीन शोइंग द शो इज गोइंग फॉर वुमेन, वुमेन पावर, राइट? नो, इट इज़ अबाउट रियल वुमेन एंड यू नो ऑल दीज वुमेन, जीनत, परमजीत, आयशा, जयंती एंड पूजा. I'm sure every woman here in the audience today will identify with at least one of us here. You know, kahin are yaar mere life mein bhi to ye chal raha hai. Acha acha, ha ye mere sath bhi aisa hua tha. Are mera pati bhi aise hi hai. Oh teri, ye to meri life ki story hai. You know, every woman will identify with it, and I think the men in the audience will learn a lot about women from this play. So what is your name on this show? The name. My name in the show is Paramjeet. पर कोई मुझे परम कहता है, कोई मुझे जीत कहता है, कोई मुझे मिसेस चड्ढा कहता है. वैसे तो मम्मी मुझे पम्मी बुलाती है. जो मर्जी बुला सकते हैं आप, मैं बुरा नहीं मानूंगी. हाँ जी, मैं यही कहना चाहूँगी कि आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि हमारे लिए प्रे कीजिए. मेरा ये कमबैक है 3 साल बाद, एंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर अपना यू नो अपने फ्रेंड सर्कल में आके, एक फिर से स्टेज पे आके ऐसा लग रहा है कि आई एम अ कंप्लीट न्यू कमर. जो पुरानी चीज़ें हो चुकी है वो पता नहीं, अब दिमाग में ऐसा लगता है कि कोई और लाइफ थी, जो सारा जो चाहे वो सारा भाई हो, संजीवनी हो, परवरिश हो, बिग बॉस हो, खतरों के खिलाड़ी, जितने भी जरा नजकरी का जितने भी मैंने शोज़ किए हैं, ऐसा लगता है कि अरे यार वो तो कोई और ही रूपाली थी. अब मैं खुद को बिल्कुल बदलाव महसूस करती हूँ. तो जब स्टेज पर आ रही हूँ वापस से, बहुत ही ज़्यादा डरी हुई हूँ, बहुत नर्वस हूँ, एंड आई एम जस्ट होपिंग दैट ऑल ऑफ यू ब्लेस अस, बी हियर विद अस, एंड प्लीज़ बी अ पार्ट ऑफ अ सेल्फी. थैंक यू. पहली बात तो मैं बहुत 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 बधाइयाँ देना चाहूँगी. आई वॉन्ट टू कंग्रेचुलेट परितोष ऑन दिस सुपर्ब एफर्ट. एफर्ट मैं इसलिए बोलूँगी क्योंकि अपने कंफर्ट जोन से जब कोई निकलता है, कोई डायरेक्टर या एक्टर, उसको मैं एफर्ट बोलती हूँ. एंड इट्स गोना बी वंडरफुल बिकॉज ही इज़ अ वंडरफुल डायरेक्टर. कॉमेडी उसका जॉनर है परितोष का, एंड कॉमेडी को छोड़ के सेल्फी बना रहा है. मैंने मैं इतनी खुश हूँ क्योंकि मेरे दोस्त इसमें काम कर रहे हैं. रूपाली इज़ अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइंड, वेरी वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइंड. दीपशिका है, मधुरिमा है, उर्वशी है, लकी मुरानी है. आई विश देम ऑल द वेरी बेस्ट. आई एम श्योर दे गोना रॉक
एंड इतना डिफरेंट प्ले होने वाला है ये दैट आई जस्ट गॉड ब्लेस एंड आई वांट टू विश परितोष एंड हिज टीम a lot of good wishes from the bottom of my heart. May you do many, 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 many shows of selfie. जिस पर मैं सब तो ऑलवेज जब मूवमेंट पावर के अंदर और डेलनास हमेशा मूवमेंट के लिए हमेशा आउट स्टैंड पाई रहती है तो मैम इसके लिए भी एक और एक न्यू शो आ रहा है फॉर पावर ऑफ वूमेन सो व्हाट यू वांट टू डू जैसे मैंने कहा एक औरत तो मतलब यू नो कुछ भी कर सकती है I am definitely very, very enthralled and very. It's. I mean, for me, it's too. ये देखकर तो मुझे इतनी खुशी हो रही है कि यार कोई तो है जिसने ये सोचकर ये बनाया, you know. So I'm very happy for Paritosh and his team once again. All the very best. कुछ कहना चाहते हो? Please आइए, enjoy कीजिए इस play को. बहुत अच्छे परफॉर्मेंसेस होने वाले हैं आपको बहुत एंजॉयमेंट मिलेगा आपको यू नो इट्स गोइंग टू बी रियली गुड इट्स अ ड्रामा वेयर यू विल लाफ यू विल क्राई यू विल हैव ऑल सॉर्ट्स ऑफ इमोशंस एंड इट्स गोइंग टू बी फैंटास्टिक सो प्लीज आइए और देखिए सेल्फी चल बेटा सेल्फी ले ले वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस बहुत मज़ा आता है लास्ट मैंने गुजराती प्ले किया था बैरी मारी आतंकवादी उसके पहले मैंने परितोष के साथ कॉमेडी किया था तेरा घर मेरा घर एंड परितोष इज़ अ वेरी वेरी डियर फ्रेंड वो मेरा इट्स लाइक माई फैमिली सो वैन परितोष वॉज कास्टिंग फॉर दिस एंड ही सेड दीप्सी दिस जयंती बेन नोबडी कैन डू विदाउट यू लाइक इट्स ओनली यू कैन डू दिस थिंग सो आई एम लाइक बाव मतलब परी के साथ काम करना ऐसा लगता है काम कम होता है दोस्ती यारी ज़्यादा होती है एंड बहुत अच्छा होता है फर्स्ट टाइम इज डूइंग दिस सीरियस काइंड ऑफ अ प्ले सो अगर आप पूरा प्ले देखोगे तो आई एम लाइक अ परितोष पेंटर जो उसके प्ले में होता है ना जो थोड़ा फनी पार्ट होता है सो आई एम रियली रियली वेरी एक्साइटेड हम सब ने बहुत मेहनत की है मतलब हम एक एक बजे तक रिहर्सल कर रहे थे सो नाउ आई एम वेरी नर्वस लुकिंग एवरीवन तो आई जस्ट कीप माई फिंगर क्रॉस कि हमने सबने बहुत मेहनत की है जितनी हमने मेहनत की है लोगों को भी अच्छा लगना चाहिए एंड आई एम श्योर जो रिस्पॉन्स मिला है हमको ऑल शोज एवरीथिंग इज बुक्ड इट्स वेरी ग्रेट फीलिंग सो वेरी एक्साइटेड जी जयंती गांधी सो मैम इसको बता दूँ आप जैसे चल रहे हैं तो वुमेन पावर को लेकर एक और न्यू शो आ रहा है सो मैम वो बाकी शो और ये शो में क्या डिफरेंस है सी प्ले इज़ डिफरेंट अभी आई जस्ट इन अधूरी कहानी हमारी उस पर भी वुमेन पावर था आई ऑलवेज गेट वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर वेरी रिबेलियस कैरेक्टर तो मुझे अच्छा लगता है जैसी मैं हूँ वैसा मुझे रोल मिलता है एंड आई एम वेरी हैप्पी गो लकी पर्सन खुद खुश रहती हूँ दूसरों को बोलती हूँ आप लिव एंड लेट लिव इज़ माई मोटो सो ऑल माई वर्क इज़ वेरी वेरी डियर टू मी लाइक मैं मुझे काम करना बहुत अच्छा लगता है जितना मैं काम करती हूँ उतना मैं खुश रहती हूँ उतना मैं एक्साइटेड रहती हूँ लाइफ में सो आई लव वर्क मैम जब आपको जब ऑफर किया तो मालूम पड़ा कि एक एसएफपी नाम का प्ले आ रहा है इसमें मोबाइल पावर और आपको चूज करें उसको आपका क्या फीलिंग आई वॉज वेरी हैप्पी मतलब परितोष कॉल्ड मी फॉर दिस रोल
एंड इट्स वेरी ऑल द वुमेन हैज सुपर इम्पॉर्टेंट रोल. और जब उसने मुझे बोला, जैसे सब लोग को ऑप्शन दिया था, अब ये करो वो करो, मैंने मुझे तो ऑप्शन नहीं दिया, बोलता या तो तू कर या तो तू मत कर. जयंती गांधी कैन ओनली बी यू, नोबडी एल्स. सो दैट इज़ द बेस्ट थिंग दैट ही चोज मी एंड आई लव हिम फॉर दिस एंड आई एम रियली रियली हैप्पी दैट आई एम डूइंग दिस प्ले. मैं यही कहूँगी, सेल्फी मेक योर लाइफ पिक्चर परफेक्ट. दैट मीन्स सेल्फी में जैसे हम अपने आप को एडजस्ट करके हमेशा अच्छे लगते हैं, वैसे आप अपनी लाइफ में हमेशा खुश रहो, अच्छे लगो और एडजस्ट करके हमेशा, मतलब मेक योर लाइफ वेरी हैप्पी. दिस इज़ द मैसेज वी वॉन्ट टू गिव. पांच औरतों की कहानी है, कैसे एक दूसरे का चीज़ सॉल्व करती है एंड दे मस्ट बी एक्सपेक्टिंग इट्स वेरी हैपनिंग एंड परितोष काइंड ऑफ प्ले, बट नो इट्स वेरी डिफरेंट प्ले. सो आई एम सेइंग सारी औरतों को ये प्ले देखना चाहिए, फॉरगेट औरतों को, सारे मर्दों को, फैमिली को ये प्ले देखना चाहिए. सो वो घर पे जाके अपनी जो औरतें हैं उनको और रिस्पेक्ट दें और प्यार करें, बिकॉज यू नो जस्ट बिकॉज औरतों में बर्दाश्त और सहन शक्ति ज़्यादा होती डजेंट मीन कि आप उन्हें टॉर्चर करते रहो. दे ऑल्सो हैव द इमोशन, प्लीज़ उसको एक्नॉलेज करो एंड लव देम द वे दे आर. औरतें सबसे ज़्यादा है जिन्हें नर्चर करने की ज़रूरत है. आप उन्हें संभालो, वो सबको संभाल लेती हैं. दैट इज़ आई नो बींग अ वूमन आई एम नॉट जस्ट सेइंग, बट दैट इज़ द रियालिटी. औरत घर बनाती है, इसलिए औरत को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है कि आप उसको प्यार दें, उसकी रिस्पेक्ट करें. थैंक यू. एंड व्हाट सेल्फी. मैम लास्ट सवाल, जैसे आपके भाई बहन सलमान खान के पार्टनर में और उन्हीं का गाना है सेल्फी पर सेल्फी ले ले, तो मैम उसके सलमान खान क्या बोलूँ मैं उनके बारे में. एवरीबडी नोज, एवरीबडी लव्स हिम, इज़ अ ग्रेट ह्यूमन बींग. अगेन मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे सलमान के साथ, शाहरुख के साथ, सबके साथ काम करने मिला और यहाँ पे भी सलमान का गाना आ रहा है तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू. आप एक न्यू प्ले करने वाले, तो मैम इसके मोटिव मेन द नेम इज सेल्फी, व्हाट इज द मीन. सी सेल्फी जब हम लेते हैं इट्स लाइक अ पिक्चर दैट वी टेक ऑफ आवर सेल्फ इन अ ग्रुप ऑफ आवर फ्रेंड्स, जिसमें हम हमेशा चाहते हैं कि सब कुछ परफेक्ट हो, एक सुंदर सी परफेक्ट सी पिक्चर हो. ये वही कॉन्सेप्ट उठाया गया है लाइफ में, कि लाइफ को इतना पिक्चर परफेक्ट बना दो कि सब कुछ सुंदर लगे. अच्छा, जैसे एक औरत एक घर को, एक परिवार को खूबसूरत बनाती है, वैसे ही कुछ इसमें भी एक वुमेन पावर दिया गया. बिल्कुल, एक औरत जो घर चलाती है, बच्चे संभालती है, पति संभालती है, वही औरत ऑफिस भी संभालती है. यही बताया गया इस ऑफिस इसमें सेल्फी में. मैम इस प्ले में आपका रोल क्या है, मतलब आपका नेम एंड ऑल. मैं आयशा का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ, ये मेरा फर्स्ट प्ले है तो मैं बहुत नर्वस हूँ. एंड ये एक टीवी एक्ट्रेस है जो बहुत पॉपुलर है, बहुत नोन है और बहुत फेमस है, और उसके सर्कमस्टांसिस है इसीलिए वो इस रेलवे स्टेशन पे इस यू नो वेटिंग रूम में, लेडीज़ वेटिंग रूम में है, और उसका धीरे धीरे यू नो हाउ शी ओपन्स अप एंड उसकी अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करती है और सब यू नो उसकी हेल्प करते हैं उसको रियलाइज़ कराने की कहाँ कहाँ क्या गलत हो रहा है, क्या ठीक हो रहा है. एंड शी ऑल्सो मेक्स हर लाइफ पिक्चर परफेक्ट. ओके मैम, जैसे देखा जाए कि ये जो शो है प्ले, इसे थ्रिल कॉमेडी एक्शन इट्स एन इमोशनल ड्रामा, इट्स अ ड्रामा, ओके, बिट ऑफ ह्यूमर, लॉट ऑफ इमोशंस, लॉट ऑफ इंस्पिरेशन. बाकी आई थिंक जब ऑडियंस देखेगी तो उनको ज़्यादा लेट देम गेस नो. ओके मैम, ज़्यादा लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज यू विल से अबाउट व्यूअर्स. सॉरी, व्यूअर्स के लिए आप क्या कहना चाहते हैं. व्यूअर्स को मैं ये कहना चाहती हूँ कि इट्स अ वेरी गुड प्ले, वी ऑल हैव वर्क रियली हार्ड, वी नीड योर ब्लेसिंग्स एंड आई होप वी मेक इट अ सक्सेस. थैंक यू. यू वेलकम. Oh, are you coming to the show? First of all, ma'am. She's coming to the show.
becoming a newer and something different from others. Okay. So ma'am, what is your experience? It is a fantastic experience. First of all, it is an all-woman cast. We are five women in the same play, and it's been a great journey. The rehearsals, the food, all the fun, all the differences of opinion, lots of ups, lots of downs, but it's been great fun, and Pari is a great producer. Okay. First of all, we can, for this is also the like of others is showing the same woman powers, the woman activities and all about something different. It's very, very different. It's not just about woman empowerment, it's about the travels of a woman. I don't want to reveal too much about the play, but all I can say is that this is something that everybody will identify with, that everybody will be emotionally choked in the play. So come and watch. Okay, so what is the play and what is the role of you and your name also in play? My name is Zeenat Malik. I'm okay. Playing a Muslim okay. from UP, and she's a North Indian, and she's a head nurse. So it's all of us are playing different characters. All of us have some story to tell and some lesson or to learn and to give everybody. So ma'am, what do you learn from this play? And what is your personal experience? Have you learned from how do you work in this play for a woman? Huh? So what do you learn, ma'am? What is your experience? What do you learn about the woman? My experience is that you know, all of us think that life has so many difficulties, but what is the you know, what actually we need to learn is that in those difficulties also we have a lot of power in us to overcome all those difficulties, and how we help each other, how we make our lives a selfie, a picture perfect selfie, is what this is about. Okay, so we will continue playing with all the with the girls. Okay, so we have very good bonding with them, right? Very good bonding, yes. But it has taught us a lot about each other as well. While we have been rehearsing and while we have been having differences of opinion, and we've been having lunches and we've been eating, drinking, sleeping, rehearsing together. So we've all bonded and we've learned a lot about each other. So any gags or fun moment had happened? A lot of fun moments. One of us, I won't reveal who, but one of us in the play is going to give you a lot of laughter. So look forward to it. Some guest, ma'am, for viewers. Some guest, some hint. Nothing. I would say just come and watch. Okay, this is my last question. What will you say for viewers for watching your play? Come with an open mind. Don't have any expectations, because of course everybody thinks that Paritosh has only comedy plays. So do not come thinking that this is one of Paritosh's comedy plays. Come with an open mind and you're going to have a treat. Ha ha ha!
आप की आवाज़ बिल्कुल मुझे नहीं आ रही, मैं बहरी हूँ. ओके, स्टार्ट करूँगा. वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन मैम, अच्छा न्यू शो, बहुत वक्त के बाद ऐसा कुछ शो आ रहा है जो टीवी पे जो देखने के लिए कुछ अलग मिलेगा. सो मैम आप टीवी नहीं है, थिएटर है. थिएटर, ओके, प्ले, इट्स अ प्ले, राइट, इट्स अ प्ले. सो मैम इसके एक्सपीरियंस और इसके शो प्ले के बारे में क्या कहना चाहते हो? ये प्ले की सबसे बड़ी खास बात ये है कि इसमें हम जो 5 लड़कियाँ हैं हम सब दोस्त हैं, रियल लाइफ में भी हम सब दोस्त हैं, तो इसलिए बहुत मज़ा आया ये प्ले में एक किरदार प्ले करने का मुझे मौका मिला है. और एक बहुत ही जिस तरह का पोस्टर बना, जिस तरह की पब्लिसिटी हुई है, उसके हिसाब से लोगों के एक्सपेक्टेशंस हमसे काफ़ी है. और मेरी यही उम्मीद है कि हम सब अच्छा काम करें, सबको पसंद आए. ओके, जैसे मेरे थिएटर पर देखिए आपका जो बैकग्राउंड है उसको अंतिम प्लेटफॉर्म ट्रेन एंड वेटिंग रूम में एग्जैक्टली वो है क्या? अगर मैं सब कुछ अभी बता दूँ तो प्ले देखने का मज़ा ही नहीं रहेगा. तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि सब कोई प्ले देखने आए, क्योंकि प्ले जैसे जैसे आगे बढ़ता है हर 5 मिनट 10 मिनट में आपको कुछ नया सुनने को देखने को मिलेगा. इसलिए मेरा इस वक्त कुछ कहना सही नहीं है. जैसे हमारे सेशन के बाद एक न्यू सेशन आता रहता है, एक न्यू न्यू जर्नी होती रहती है, वैसे ही कुछ न्यू न्यू और हमारे वक्त पे न्यू समथिंग होते रहेगा. एग्जैक्टली, हर स्टेशन में हर नया पैसेंजर कुछ नया लेके आपके लिए आएगा. ओके मैम, एक और क्वेश्चन मैम, जो जो नेम है सेल्फी, व्हाट इज इट एग्जैक्टली, ये कुछ अलग समथिंग? देखिए आजकल सेल्फी का ज़माना है, जहाँ भी जाए, जब से मोबाइल आ गया सब लोगों के हाथ में और मोबाइल में वो फ़ोटो खींचने का एक माध्यम मिल गया है, तो सब कोई फ़ोन लेके यहाँ वहाँ, एंड स्पेशली औरतों का सबसे बड़ा फेवरेट पास टाइम, मैं कहूँगी सबसे बड़ा फेवरेट पास टाइम है कि ऐसे फ़ोन पकड़े और किसी भी एंगल में पाउट करके फ़ोटो खींचते रहते हैं. पर ये जो आप सेल्फी देखेंगे इसमें कुछ और भी है इसके साथ. देखिए यहाँ सिर्फ औरतों को बढ़ावा नहीं मिल रहा है, यहाँ पे हम 5 औरतें यहाँ पे हम 5 औरतें जो है सिर्फ औरतों की आई वुड से औरतों के फेवर में बात कर रहे हैं ऐसा नहीं है, हम मर्दों के लिए भी कुछ मैसेज छोड़ रहे हैं. एंड आई होप हमारी जो मेहनत है, हमारी जो कोशिश है वो सब तक पहुंच पाए. Okay, ये थिएटर में आपके प्ले में आपके कैरेक्टर का नेम क्या है? मैं पूजा प्ले कर रही हूँ. मतलब पूजा का क्या है, कुछ थोड़ी मस्ती मजाक चिर कुछ ऐसा क्या? पूजा बहुत खास है और बस इतना ही कहूँगी. ओके मैम, चाहते हैं लास्ट में हम व्यूअर्स को आप क्या कहना चाहते हैं ये प्ले को लेके? सबको बस यही कहना चाहूँगी कि थिएटर एक ऐसा माध्यम है जहाँ हर आर्टिस्ट अपने आप को एक नए तरीके से एक नए किरदार में पेश करता है और उसको ये मौका मिलता है. सो प्लीज़ थिएटर को बढ़ावा दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग थिएटर देखने आइए, बस यही रिक्वेस्ट है. एंड कम एंड वॉच सेल्फी. मैम इससे पहले आप कोई थिएटर जब कुछ काम कर चुकी थी? मैंने इसके पहले एक और प्ले किया था, एक इंग्लिश प्ले किया था, 3 Women, और बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पे था. रविंद्रनाथ टैगोर के 3 कहानियों को मिला के एक कहानी लिखी गई थी, तो उसमें मैंने एक किरदार प्ले किया था. हम 3 औरतें थे उसमें, पर मेरे लाइफ में पता नहीं क्यों 3, 5, 7, 8 ऐसे ही आंकड़े सब जुड़े हुए औरतों के साथ. बट हमेशा प्लेज आर इंटरेस्टिंग फॉर प्लेटफॉर्म फॉर एवरी आर्टिस्ट. सो थैंक यू वेरी मच. देखिए पारितोष जो डायरेक्टर हैं इस प्ले के, मैं उनको बहुत टाइम से जानती हूँ, मैं उनके साथ प्लेस कर चुकी हूँ और आई नो कि उनकी कॉमिक टाइमिंग बहुत अच्छी है क्योंकि वो हमेशा कॉमेडी ही करते आए हैं. सो फर्स्ट टाइम आई थिंक पारितोष एक ऐसा प्ले कर रहे हैं जिसमें बिल्कुल भी कॉमेडी नहीं होगी. इट्स अ सीरियस प्ले, ड्रामा है, इमोशंस हैं.
सो आई एम रियली वॉन्टिंग टू सी कि ये कैसा होता है, क्योंकि पारितोष पहली बार ऐसा कर रहा है. बट ऑफकोर्स मुझे ज़रा भी डाउट नहीं है कि ये प्ले कैसा होगा, बिकॉज आई नो कि पारितोष इतना अच्छा डायरेक्टर है, इतना अच्छा एक्टर है, और वो जो भी करता है आई थिंक पूरे अपने यू नो मेहनत से दिल लगा कर करता है. सो आई एम श्योर इट विल बी अ ग्रेट प्ले. अब मैं भी इक्वली एक्साइटेड हूँ, क्योंकि जैसा बरखा ने कहा है कि पारितोष हमेशा से कॉमेडी शोज कॉमेडी प्लेस करता आया है, और उसमें तो वो इज़ वन ऑफ द बेस्ट अराउंड. लेकिन एज वी ऑल नो इज़ अ वेरी टैलेंटेड गाय. उसकी राइटिंग, उसका डायरेक्शन, उसकी खुद की एक्टिंग इतनी अच्छी है. सो डेफिनेटली ये डिफरेंट जॉनर है, सीरियस ड्रामा है, सेल्फी, बट वो बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट करेगा, बहुत अच्छी स्टोरी टेलिंग होगी, एंड अपने एक्टर्स से अच्छा परफॉर्म ही करवाएगा, बिकॉज आई जस्ट फील दैट ही हैज़ द एबिलिटी टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ हिज एक्टर्स. सो वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. देखिए ये प्ले जहाँ तक मुझे पता है, क्योंकि इस प्ले के बारे में मेरी पारितोष से बात भी हो चुकी है, बट ये प्ले है पांच औरतों की ज़िंदगी के बारे में है, और हर औरत एक अलग अलग यू नो स्ट्रेटा ऑफ लाइफ से आ रही है, तो हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं, कोई दिखाते हैं कोई नहीं दिखाते हैं. सो दिस प्ले इज़ अबाउट दैट कि पांच औरतें जो एक साथ आकर अपनी लाइफ के बारे में बात करती हैं एक दूसरे से, और क्या क्या खुलासा होता है, क्या उनके सीक्रेट्स हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या खुशियां हैं. सो इट इज़ अ वेरी मिक्स्ड थिंग ऑफ इमोशंस, और आपको पता ही है जब आपको पाँच औरतें मिल जाएँ तो आप सोच सकते हैं क्या क्या होगा. बट बेसिकली इट्स अ वेरी सेंसिटिव यू नो प्ले अबाउट द इमोशंस ऑफ वीमेन. खतरनाक से भी खतरनाक पांच औरतें, भाई व्हाट डू यू एक्सपेक्ट. बट या लाइक आई सेड कि पांच औरतें हैं, बट अलग अलग एज ग्रुप्स की हैं, और अलग अलग जगहों से हैं लाइफ में, अलग प्रोफेशंस हैं, यू नो. सो आई थिंक ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मिक्स होगा कि इतनी अलग अलग औरतें जब एक साथ आती हैं तो क्या होता है. Women empowerment. What is your thoughts about women's safety and empowerment? In our country, I think women's safety थोड़ा सा questionable है, definitely. उसके लिए काम किया जा रहा है. I think we all are working towards it. The government is doing their job. I think citizens को भी अपनी तरफ से करना चाहिए women's safety की तरफ contribution. Cities में थोड़ा सा शायद better है, interiors में शायद थोड़ा अभी भी बहुत develop होना बाकी है. So ये हर इंसान, हर नागरिक का अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड वी एज मैन शुड स्टैंड अप एंड डू मोर टुवर्ड्स इट, बिकॉज वी आर सपोजिडली द फिजिकली स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्स. सो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है हमारे औरतों की प्रोटेक्शन के लिए. और वुमेन एम्पावरमेंट तो क्या बोलूँ, मतलब द जनरेशन इज सच, यहाँ में वुमेन आर यू नो रियली एम्पावर्ड. दे आर रबिंग शोल्डर्स विद मैन इन एवरी फील्ड, डूइंग बेटर देन मैन. हम लोग पीछे रह गए, बिकॉज इनमें एबिलिटी बहुत ज़्यादा है इन टर्म्स ऑफ फैमिली, इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशनल लाइफ, इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, बिकॉज दे आर इमोशनली मोर स्ट्रॉन्गर पीपल. सो हम लोग पीछे रह गए, अब हमें यू टू पुल अप आवर सॉक्स एंड ट्राई टू कैच अप, बिकॉज दे आर गोइंग वे वे. रिस्पेक्ट वुमेन, या दैट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट. वेल सेड, थैंक यू. Yes. Ye baba hai na ek group by